हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 25 फरवरी 2023। 25 फरवरी 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन से। भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, TK रंगराजन। देखिए TK रंगराजन को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों, संसद के कुल 13 सदस्यों को और 2 संसदीय समिति को सांसद रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों अवार्ड से रिलेटेड आइए हम लोग इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर शरद कमल अजंता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बद्री नारायण को। अगले देखिए, आगे जो है किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड राज्य ने जीत लिया है। किस राज्य ने अपने JAGA मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो उड़ीसा राज्य। असम जो वैभव 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन साइकिया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए मोटिवेशन कोट्स को देख लेते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो मन से हारा हुआ इंसान है दोस्तों वो कभी नहीं जीत सकता। क्या हुआ अगर 1-2 एग्जाम आपसे नहीं निकले तो क्या दिक्कत है दोस्तों? मन से मत हारिए, क्योंकि मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर आप लोग डटे रहिए, मैदान में खड़े रहिए, लड़ते रहिए, जब तक आप सभी लोगों को सफलता ना मिले। तो आइए देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मुंबई चर्चगेट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, CD देशमुख। CD देशमुख यानी कि चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जिसे CD देशमुख के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो CD देशमुख जो थे दोस्तों, रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पर बदले गए नाम से रिलेटेड आइए हम लोग पिछले इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अमृत उद्यान। और WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर Mpox रख दिया है। और चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह जो है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रख दिया है। और दोस्तों कारगिल के द्रास सेक्टर 0.51 पहाड़ी का नाम बदलकर गन हिल रख दिया है। अगले क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो है मोदी सेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, S. जयशंकर। और S. जयशंकर जो हैं वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। वर्तमान में भारत के लगभग 110 देशों के साथ जो है हवाई सेवा समझौता है। तो ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों गुयाना। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी है। इरफान अली यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स हैं। तो आप सभी लोग याद रखिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का कौन सा शहर जो है जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला पहला शहर बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिएटल। सिएटल जो सिटी है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंधित जो है लगाने वाला
पहला अमेरिका का शहर बन गया है और दक्षिण एशिया के बाहर जो है इस कानून को पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। और हाल ही में अभी अमेरिका ने, आप सभी को मालूम होगा, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका ने यूक्रेन को एक बहुत ही रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा जिसका नाम है पैट्रियट मिसाइल। क्या नाम है उसका? पैट्रियट मिसाइल। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, आप सभी लोग याद रखिएगा। और अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है, ये भी आप सभी लोग याद रखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अगर मैं बात करूं दोस्तों छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जो हाल ही में जो है शपथ ली है दोस्तों, आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ के जो राजधानी रायपुर है, एक है दोस्तों नया रायपुर, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन मालूम होनी चाहिए, नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है, और छत्तीसगढ़ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरानी या फिर नई पेंशन दोनों में से कोई एक का चयन करेगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट दोस्तों जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। अगर आपसे पूछे केरल हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ है, तो 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कनक रेले का निधन हो गया, यह कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम नृत्यांगना। तो आप सभी ने याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम का जो नया किट स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडिडास। एडिडास जो है एक स्पोर्ट्स सामान बनाती है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने जम्मू में जिसमें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा ने जो जम्मू में 33वें जो पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय बांगा को। अजय बांगा को दोस्तों विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में नामित किया है। यहाँ पर बात हुआ है दोस्तों वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ है? 1994 को, तो ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विग्नेश NR। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, जो 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है, कप्तान हरमनप्रीत कौर, इसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और जो पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट को मिलाकर 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाली पहली क्रिकेटर ये बनी है, हरमनप्रीत कौर, तो आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 की जो पहली सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अबू धाबी में। अबू धाबी में दोस्तों I2U2, इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया इजराइल UAE US, एक सम्मेलन है दोस्तों, इसे एक कहा जाता है
पश्चिम एशियाई का क्वाड, पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जाता है। और जो क्वाड में कितने मेंबर हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 24 फरवरी जो 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था, और इसी को याद रखने के लिए प्रत्येक साल दोस्तों 24 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। और दोस्तों केंद्रीय उत्पाद और सीमा बोर्ड, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को किया गया था। और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों टेस्ट का जो सवाल हमारा क्या है। टेस्ट का जो सवाल है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। लक्ष्मण प्रसाद जो आचार्य किस राज्य के राज्यपाल बने हैं, ये भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका दोस्तों राइट आंसर होगा उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा या फिर उसके कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि दोस्तों सभी लोग, आप सभी लोग क्या इसका सही आंसर होगा आप सभी लोग जान पाए। अगले क्वेश्चन देखिए। शिव प्रताप शुक्ल किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं, ये भी आप सभी लोग को बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा। तो आइए राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। जिनको जिनको आता है कोई बात नहीं दोस्तों, उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं आता है वो क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत जो है किए जाने वाली पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, राज्य का जो कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है राज्य का जो कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। जो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन, विधान परिषद में जो राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कुल सदस्यों का 1/6। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है दोस्तों। आप सभी लोग याद रखिएगा। राज्य विधानसभा के जो 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, तो राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो आर्टिकल 201 के तहत। और राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है, 3.5 लाख। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करता है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछे दोस्तों राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, तो 333 द्वारा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, 153 में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था। आप सभी लोग आई होप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह से हम लोग करंट अफेयर्स डेली पढ़ेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों कहाँ पर हम लोगों से गलतियाँ हो रही है उसको अगर आप सभी लोग थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या हम लोग नया चीज़ क्या कर सकते हैं इस चैनल पर, कैसे मतलब व्यूज़ बहुत ही कम आ रहा है यार। आप सभी लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।